मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का सब्जेक्ट है मैथ्स। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 एडिशन अप टू 10 पढ़ रहे हैं। तो हमने एडिशन पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एडिशन ऑफ वन, यदि हम वन को किसी भी नंबर से ऐड करते हैं, जैसे व्हेन वन इज एडेड टू अ नंबर, यदि हम किसी भी नंबर को वन से ऐड करते हैं तो द आंसर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। गिवन नंबर से मीन्स जो भी हमें नंबर दिया गया है उसमें अगर हम वन को ऐड करते हैं तो गिवन नंबर के बाद में आफ्टर नंबर क्या आता है वो ही उसका सम होगा। ठीक है, जैसे मान लो गिवन हमें दिया गया है 6, तो इसमें यदि हम 1 है ऐड करते हैं तो इसका आफ्टर नंबर क्या होगा 6 का। क्या लिखा है इसमें, गिवन कम जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर, तो गिवन में हमें 6 दिया गया है, तो 6 नंबर का जो 6 नंबर है उसका आफ्टर नंबर क्या होता है, 6 के बाद में क्या आता है 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, तो 6 प्लस 1, 1 को ऐड करने पर 7 आता है। इसी तरीके से मान लो अगर हमने 10 प्लस 1 किया तो जो गिवन नंबर क्या है 10, तो 10 का आफ्टर नंबर क्या होता है 11, यानी कि 10 में अगर 1 प्लस करेंगे तो आएगा 11। ओके, अब जैसे 6 बर्ड्स हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, गिवन नंबर क्या है 6, और इसमें हमने 1 ऐड किया तो 6 का आफ्टर नंबर क्या हो गया 7। ठीक है, 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7। ओके, अब है एडिशन ऑफ 0, व्हेन 0 इज एडेड टू अ नंबर द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। यदि हम कोई भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ मतलब क्या होता है, जो भी गिवन नंबर है वही वैल्यू आती है। जैसे मान लो मैंने 9 प्लस 0 किया तो गिवन नंबर हो गया 9, तो यही नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, नंबर इटसेल्फ क्या होगा 9, तो इस तरीके से 0 कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अब यहाँ पर 4 हैन है तो गिवन नंबर क्या दिया गया है 4, इसमें ऐड किया है हमने, यहाँ पर एक भी हैन नहीं है यानी कि 0 है, तो 4 नंबर प्लस 0 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, नंबर इटसेल्फ मतलब जो हमें नंबर गिवन है। ठीक है, तो इसका आंसर निकल गया 4। अब है ऑर्डर इन एडिशन, इफ द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स बीइंग एडेड इज चेंज द आंसर विल बी द सेम। अब इसमें क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लो ए प्लस बी है तो भी हमारा आंसर दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा ए और बी। ठीक है, इसी तरीके से बी प्लस ए है तो भी हमारा आंसर ए बी आएगा, यानी कि नंबर्स कुछ भी हों अगर हम उनको एक्सचेंज कर देते हैं, पोजीशन चेंज कर देते हैं, ए को बी की जगह रख देते हैं या बी को एक जगह रख देते हैं ए की जगह, तो भी आंसर सेम ही निकलेगा। मान लो मैंने लिखा है 6 प्लस 2 तो कितना होता है 8, और यदि मैंने लिखा 2 प्लस 6 तो भी आंसर निकलेगा 8 ही, यानी कि इनकी पोजीशन होगी चेंज और आंसर उस कंडीशन में दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है 3 प्लस 2 यानी कि 3 पेंसिल इधर है 2 पेंसिल इधर है, तो ये 3 हो गया ये 2 तो ये हो गया 5। अब अगर पोजीशन चेंज कर दी, 2 पहले कर दिया यानी कि 2 पहले कर दिया और 3 बाद में कर दिया, तब भी नंबर आंसर क्या होगा 5 ही होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, अब इसकी वर्कशीट आप देख लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना। डेट 8 डालेंगे, वर्कशीट वेनसडे डालेंगे, वेनसडे डे सब्जेक्ट डालेंगे चैप्टर नंबर 3 एडिशन अप टू 10। ओके, अब इसमें कॉन्सेप्ट 1 जो मैंने समझाया, जैसे यहाँ कितनी बर्ड्स दिख रही हैं 5 बर्ड्स, तो आपको यहाँ पर कितनी लिखनी है 5 प्लस ये कितनी है 1, तो 5 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 6, ये कितनी बर्ड्स हो गई 6 बर्ड्स हो गई, तो जो भी गिवन नंबर है गिवन नंबर कितना है 5, उसका आफ्टर नंबर ही होता है। ठीक है, तो 6 नंबर या इसका आंसर हो गया। अब है एडिशन ऑफ 0, व्हेन 0 इज एडेड टू अ नंबर द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। अब ये क्या है, कितने लाइन बने हुए हैं 2, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, यहाँ पे एक भी नहीं है 0 है तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, तो कोई भी नंबर को अगर हम 0 से ऐड करते हैं तो नंबर
जो गिवन नंबर होता है वही आंसर उसका आता है, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा है ऑर्डर इन एडिशन, जो मैंने ए प्लस बी और बी प्लस ए आपको बताया, वो कि पोजिशन चेंज होती है लेकिन आंसर ऑलवेज सेम होता है। तो मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ पर है 3 + 2 = कितना होता है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2 तो इक्वल्स टू कितना हो गया 5, ठीक है। अब इसको इसका इस जगह रख दिया फर्स्ट पोजीशन पे और इसको सेकंड पोजीशन पे रख दिया तो भी आंसर आएगा 5। तो मतलब पोजीशन चेंज होती है, आंसर हमेशा ऑलवेज सेम ही रहता है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपको बॉक्सेस में जो मिसिंग नंबर है वो आपको फिल करने हैं। तो 4 + - 5, तो 4 में हम कितना ऐड करेंगे कि 5 आएगा। यदि हम 4 में 1 को ऐड करते हैं तभी 5 आता है, 3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आता है 2 आता है, ठीक है। इसी तरीके से 1 - 1 कितने में हम 1 प्लस करेंगे कि 8 आएगा। यदि हम 7 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 7 का आफ्टर नंबर क्या होता है 8, तो इसलिए यहाँ पर 7 आएगा, ओके। 6 + - 7, तो 6 में कितना प्लस करेंगे कि 7 आएगा, 6 में अगर हम 1 को और ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। अब कितने में हम 1 प्लस करेंगे कि 10 आएगा, यदि हम 9 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 10। तो इस तरीके से आपको सोच समझ के अच्छे से नोट डाउन करना है। अब है फिल द बॉक्सेस। अब इसमें ये हमारा कॉन्सेप्ट 1 था, ये हमारा कॉन्सेप्ट 0 वाला है। 2 में प्लस 0 करेंगे तो क्या नंबर आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 2 नंबर इटसेल्फ क्या है, यहाँ पर 2 है जो गिवन नंबर है, वही हम अगर कोई भी नंबर को 0 नंबर से ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, 0 नहीं आएगा। जो जैसे मान लो 5 को 0 से ऐड किया तो 5 ही आएगा, 25 को 0 से ऐड किया तो 25 ही आएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट करना है। अब है फिल द बॉक्सेस। 1 + 3 कितना हो गया 4, और 3 + 1 क्या हो गया, मतलब a + b 4 b + a 4, यानी कि पोजीशन चेंज हुई है। यहाँ 1 + 3 है तो भी 4 आया, और इस वाली पोजीशन को हमने यहाँ रख दिया, इस वाले को हमने यहाँ रख दिया तो भी 4 आया। तो इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, और अगर कुछ भी इश्यू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।